हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है ईएनवी, लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट। आप सारे स्टूडेंट्स ने प्लांट्स, ट्रीज, वो सारी चीज़ें आपने देखी है। तो आज हम क्या सीखेंगे, तो आज हम उनके पार्ट्स के बारे में सीखेंगे, उनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। चलिए देखिए, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, लेबल द पार्ट ऑफ अ प्लांट, कलर इट। तो इसके अंदर कलर करना आपका होमवर्क है, और यहाँ पे आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगी। चलिए तो देखिए, फर्स्ट एरो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, तो कि फर्स्ट एरो यहाँ पे है। तो ये क्या है, तो ये है फ्लावर, यानी कि फूल। क्या है, फूल। देखिए उसका स्पेलिंग क्या आएगा, FLOWER, फ्लावर यानी कि फूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कि फ्रूट्स। क्या दिखाई दे रहा है, फ्रूट्स। आप कोई भी प्लांट ले लो, कोई भी ट्री ले लो, तो प्लांट के ऊपर या तो फिर ट्री के ऊपर फ्रूट कब लगता है, तो कि फ्रूट का जब पहले छोटा सा फ्लावर निकलता है और उसमें से फिर क्या होता है, तो उसमें से उसका फ्रूट बनता है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। चलिए नेक्स्ट क्या है, लीफ यानी कि पत्ती। आप कोई भी प्लांट देख लो, कोई भी ट्री देख लो, उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी दिखने को मिलेगी, तो कि लीफ। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीव्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइज के, कुछ इतने छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जब लीफ ग्रो करता है तब कैसा होता है, इतना सा छोटू सा होता है, उसमें से वो बड़ा बनता है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, लीफ, LEAF, लीफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, लीफ। चलिए उसके बाद क्या है, स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टीम दिखाई दे रही, तो रूट्स में से जो निकलता है ये देखिए, इसे हम क्या कहेंगे, स्टीम। ये जो सारे पार्ट्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्टीम। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो कि नेक्स्ट नीचे का पोर्शन दिखा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, जड़े। क्या होता है, जड़। आप कोई भी प्लांट ले लो, आप जो वो प्लांट को इस जमीन में से निकालोगे तो आपको पतले पतले धागे जैसा दिखेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रूट्स, यानी कि उसकी जड़े। तो स्पेलिंग क्या आएगा, ROTS, रूट्स। चलिए तो प्लांट के कितने पार्ट्स हैं, 5। कौन कौन से, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टीम, रूट्स। ओके, इसके अंदर आपको यहाँ पे जो प्लांट दिया है उसके अंदर आपको जो भी कलर पसंद है वो आपको खुद से फिलअप करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक का पेज टर्न करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीफ ऑफ प्लांट्स। तो मैंने आपको आगे जब हम लीफ के बारे में सीख रहे तब मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं, टेक द लीव्स यू हैव सीन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको टिक मार्क करना है किसको, तो कि जो लीफ आपने देखा है। ठीक है चलिए, तो देखिए सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स। मैंने आपको बताया ना अभी कि कुछ प्लांट्स को कैसे लीव्स होते हैं, बड़े होते हैं, एंड सम हैव स्मॉल लीव्स, और कुछ कैसे होते हैं, चलिए तो कुछ लीव्स कैसे होते हैं, स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट है बनाना लीव्स,
तो आप लोगों ने देखा है बनाना लीव्स, बनाना छोटा होता है बट उसके लीव्स कितने होते हैं साइज में, इतनी बड़ी साइज के होते हैं, ठीक है। तो जिसने भी बनाना लीव्स देखे हैं वो बनाना लीव्स के ऊपर राइट करेगा, और जिसने नहीं देखा वो वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा। चलिए नेक्स्ट, मैंगो लीव्स यानी आम के पेड़ के लीव्स, ये तो सारे बच्चों ने देखा होगा। हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है या भगवान की पूजा या कुछ भी करना होता है तो हमारे घर पे मैंगो के ट्रीज के लीव्स को लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है मिंट लीव्स, ये तो आपको मम्मी को पूछना होगा कि मम्मी को आप घर पे बताएगा मम्मी मुझे मिंट का लीव दिखना है, दिखाइए, वो इतना छोटू सा होगा, ठीक है। तो जिसने भी मिंट लीव दिखा है वो यहाँ पे क्या करेगा, राइट करेगा। चलिए पीपल लीव, ये पीपल के पेड़ का जो लीव होता है वो साइज में मीडियम साइज में होता है। चलिए फिर पपैया लीव, देखिए तो यहाँ पे आपको जितने भी लीव्स दिए गए हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, कोरिएंडर लीव यानी कि धनिया पत्ता, ये तो सारे बच्चों ने देखा है ना। चलिए तो आज का आपका होमवर्क क्या होगा, देखिए वर्कशीट पेज नंबर 57, राइट नेम ऑफ प्लांट्स ऑफ पार्ट्स। तो हमने जो पार्ट्स ऑफ प्लांट देखे उनके जो पार्ट्स देखे वो आपको रीराइट करना है आपके वर्कशीट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।